मिथुन चक्रवर्ती के नाम से हाँ चल पाएगी, बाकी एक्टिंग में भी दम है तो ऑफ कोर्स चल। मुझे लगता है कि साउथ वाली को डेफिनेटली ज्यादा सपोर्ट मिलेगा बिकॉज PS1 जो थी वो डेब्यू एक्टर है, मिथुन का लड़का है ऐसा लग नहीं रहा था। नहीं नाम से नहीं, बंदे की क्वालिटी के ऊपर होता है। डेब्यू ठीक है लेकिन उनका जो नामोशी की जो अपनी क्वालिटी है ठीक है, दोनों ने एक्टिंग अच्छी करी है। बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए दिमाग पर, बस ये देखिए कि फिल्म कितनी एंटरटेनिंग थी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, हिमांशु न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है। और जैसे कि फिल्मी फ्राइडे, फिल्मी फ्राइडे से पहले एक दिन हम फिल्म देख लेते हैं। और इस वक्त 3 फिल्में बड़ी रिलीज हो रही है, एक साउथ की है और एक PS2 ऑफकोर्स जिसका रिव्यू हम दिखाने वाले हैं, और एक लास्ट जो आने वाली है वो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती की जो फिल्म रिलीज हुई है, नाम है बैड बॉय। फर्स्ट डेब्यू था सब कुछ और सब पूरी स्टार कास्ट जो है पहली डेब्यू थी, एक्टर एक्ट्रेस हो, कैसा लगा रिस्पांस और कैसी थी फिल्म एक बार पूछ लेते हैं। तो फिल्म देखकर सब बाहर आ चुके हैं तो जान लेते हैं कैसा रिस्पांस रहा। बढ़िया है मूवी, कैसा लगा? बढ़िया लगी मेरे को, मतलब कॉमेडी ज़्यादा मूवी में, मस्त है। हाँ पहला डेब्यू था उस हिसाब से, मतलब एक्टिंग मस्त लगी, लगता है आगे कर पाएंगे बढ़िया। डायरेक्शन मूवी का ठीक है, मतलब जिस हिसाब से उसकी कैटेगरी रखी गई है, मतलब कॉमेडी है तो उस बढ़िया डायरेक्शन है और एक्टिंग भी जो एक्ट्रेस की बढ़िया है। मिथुन चक्रवर्ती के नाम से चल पाएगी? मिथुन चक्रवर्ती के नाम से हाँ चल पाएगी, बाकी एक्टिंग में भी दम है तो ऑफकोर्स चल। 5-4 मुझे लगता है कि साउथ वाली को डेफिनेटली ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा बिकॉज PS1 जो थी वो रिसेंटली अक्टूबर सितंबर में रिलीज हुई थी PS1, और उसके बाद ही Part 2 फटाफट लेके आ गए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच द Part 2 यू हैव टू रिवाइज Part 1, वो इतनी हिस्टोरिक चोला डायनेस्टी के पर दादा की फिल्म है। सो डेफिनेटली, बट ये वाली जो है इट्स वेरी लाइट हार्टेड, आई वुड रादर से लिटिल डिसअपॉइंटिंग अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि एक तो डेब्यू परफॉर्मेंस थी और हीरो वाला रोल मुझे पसंद नहीं आया नमोशी चक्रवर्ती का। आई वुड रादर से कि इनको करेक्टर वाला रोल करना चाहिए, इन पे ज़्यादा सूट करेगा। और बाकी डेब्यूटेंट की बात करें, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, इज़ अ गुड एक्टर बट नॉट फॉर सच काइंड ऑफ फिल्म्स। तो थोड़ी कॉमेडी इन्होंने अच्छी करी है एंड जॉनी लीवर साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया। मतलब फर्स्ट हाफ में ऐसे बैठी हुई थी कि भाई चलो हंसा दो एंड सेकेंड हाफ में फाइनली मुझे अपने आप से हंसी आनी शुरू हो गई। सो सेकेंड हाफ इज मच 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 बेटर देन Part 1। ओके, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक्टर डेब्यूटेंट एक्टर रिलीज, क्योंकि डेब्यूटेंट एक्टर आए हैं, उसके अलावा जो साइड एक्टर होते हैं वो कितना उठाते हैं पूरी फिल्म को, शायद इसमें दिखाया गया। येस, तो आई थिंक कि आमरीन कुरैशी जो हीरोइन थी इस फिल्म की, उन्होंने लाइक शी ट्राइड बट इतना ऐसे लेवल का नहीं हो पाया। हाँ बट पहली फिल्म है, वी कैन पास इट ऑन एंड आगे अच्छा काम करेंगे, आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई गिव इट 2.5। देखो यार डेब्यू एक्टर है और जब फर्स्ट हाफ देख रहा था मैं, जैसे मतलब एक डेब्यू एक्टर का इंट्रो होना चाहिए, जैसे डेब्यू एक्टर का इम्पैक्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा लग नहीं रहा था कि डेब्यू एक्टर है, मिथुन का लड़का है ऐसा लग नहीं रहा था, इट वॉज लाइक अ नॉर्मल एक्टर लग रहा था। बट सेकेंड हाफ में आते आते बंदे ने क्या एक्टिंग करी है यार, इमोशनल रोल और एक्शन वाला रोल और जो सीरियस रोल है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। नमोक्षी का काम मुझे सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेटर लगा इन कंपेरिजन टू इट्स फर्स्ट हाफ। एंड डांस वांस एक्टिंग वैक्टिंग में ठीक है, मतलब आगे अगर अपनी लुक्स पे काम करेगा और एक्टिंग पे काम करेगा तो चल जाएगा। तो ग्रैंड लॉन्च हुआ था लेकिन दो फिल्म और बड़ी रिलीज है साथ में, कौन कौन सी? PS2 और वो है ना दूसरी का पता नहीं, साउथ की हाँ वो कुछ है, एजेंट है। हाँ तो देखो यार साउथ की वैसे PS2 तो भाई बड़ा बजट है, बड़ी फिल्म है, मगर जो लोग मिथुन के फ़ैन हैं, मिथुन दा के फ़ैन हैं, वो तो उनके बेटे को ही देखने जाएंगे। सो ईच टू इट्स ओन है, जिसको जो देखने वो वही जाके देखेगा। 3 अच्छी है फिल्म, अच्छी है, न्यू कमर है और ये कहानी जैसे पहली फिल्म में आती थी इस तरीके की कहानी है और ठीक है कहानी, फैमिली लाइक के देखने लाइक। डेब्यू था मिथुन चक्रवर्ती, उनके नाम से चल पाएगा रिस्पॉन्स? नहीं नाम से नहीं, बंदे की क्वालिटी के ऊपर होता है। डेब्यू ठीक है लेकिन उनका जो नामोशी की जो अपनी क्वालिटी है ठीक है, दोनों ने एक्टिंग अच्छी करी है और मतलब स्टोरी भी है फैमिली लाइक देखने लाइक है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा स्लो था ऐसा लग रहा था सेकेंड पार्ट में, लेकिन इमोशनल ड्रामा और वो सीन करके फिर थोड़ा, नहीं ये तो होता ही है कि एक पार्ट अगर मतलब दूसरा पार्ट ऐसा है, ये तो होता ही है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है फिल्म अच्छी है। लेकिन दो बड़ी फिल्में रिलीज हैं कल, उसके साथ कॉम्पिटिशन? नहीं ये फिल्म एक अलग है, उनके साथ कंपटीशन इनका कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अगर कहे कि इफेक्ट्स वाले या कोई वो चीज़ें तो नहीं है, नॉर्मल है, फिल्म देखने लायक है, मतलब जैसे पहले फिल्म में आती थी उसी तरीके की मतलब इसमें कहानी है और देखनी चाहिए लोगों को, ऐसी बात नहीं है, मज़ा। 5 में से अगर बात 3 तो बनते हैं। हमेशा से आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन बहुत अच्छा है, हालांकि पहली फिल्म है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पे गौर नहीं करना चाहिए, गौर ये करना चाहिए कि जिस तरीके से वो आए हैं, हालांकि बहुत सारे एक्टर्स ने भी अपनी शुरुआत की थी और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जजमेंटल हम हो जाते हैं जब मूवी को देखते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए दिमाग पे, बस ये देखिए कि फिल्म कितनी एंटरटेनिंग थी, एक्शन था, रोमांस था, फैमिली वैल्यूज थे, फैमिली वाला फैमिली ड्रामा था। तो बहुत कम मूवीज़ होती हैं ऐसी जिसमें आपको पूरा कॉम्बो देखने को मिलता है, या तो बहुत सारा एक्शन होता है या बहुत सारा फैमिली ड्रामा होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ कॉम्बो तो इसमें आपको इतना सब कुछ मिला है। तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो नमाशी चक्रवर्ती है, हालांकि फादर की तरह, फादर की पहली फिल्म थी मृग्या जिसमें नेशनल अवार्ड विनर उनकी परफॉर्मेंस थी, हालांकि हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत सारी कंपैरिजंस करने लगते हैं, बट विदाउट एनी कंपैरिजन आप ये देखिए कि नमाशी ने जिस तरीके से एंट्री की है और आमीन कुरैशी बहुत अमेजिंग रही है, थोड़े हम कह सकते हैं थोड़ी कमज़ोर लव स्टोरी ज़रूर रही होगी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली और प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को निखारेंगे। हालांकि पहली फिल्म में बहुत ज़्यादा हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन अब शुरुआत हो गई है, बॉलीवुड में कदम रख दिया है दोनों ने, न्यू कॉमर्स हैं और दोनों की जोड़ी बहुत अमेजिंग लगी है, ख़ासतौर पर जो कॉमेडी का जो तड़का लगाया जॉनी लीवर साहब ने वो बहुत अमेजिंग था, लग रहा था कि ये वही जॉनी लीवर है जिनको हम मिथुन चक्रवर्ती के, जब वो मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में हुआ करते थे वही हैं, वो बदले नहीं हैं, वही कॉमेडी टाइमिंग्स, वही शानदार कॉमेडी। और विदाउट एनी जजमेंट आप इसको प्यार दीजिए क्योंकि एक और स्टार सन ने बॉलीवुड में कदम रखा है, एंड होपफुली जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें वो और एंटरटेन करने में और एंटरटेन करेंगे। फिलहाल 3.5 स्टार 1.5 स्टार उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा रिव्यू, फिल्म का रिव्यू आपने देख लिया होगा और थोड़ी सी उम्मीद हो गई होगी फिल्म के रिव्यू के बाद देखने के लिए, आप फिल्म देखने के लिए इतने एक्साइटेड है क्योंकि फिल्म जो है डेब्यूटेंट थी, डेब्यूटेंट एक्टरों की फिल्म थी, तो एक बार सपोर्ट दिखाइए। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है थोड़ा सा बोरिंग रहता है लेकिन सेकंड पार्ट तक उठते उठते वही इमोशनल कहानी पुरानी है लेकिन एक नए ढंग से दिखाई गई है, वही इमोशनल सीन आपको थोड़ा सा इमोशनल कर देगा। सो दोस्तों मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 3 स्टार, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फिल्म कैसे होने वाली है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया, उसकी मतलब वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हिमांशु न्यूज़ वर्ब, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।